हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को स्केलेटल टिश्यूज के बारे में बताया था, कार्टिलेज और उसके फंक्शंस के बारे में बताया था, बोन्स के बारे में बताया था। बोन्स क्या होती है? रिगिड ऑर्गन्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारे वर्टीब्राट्स जो होते हैं उनके एंडोस्केलेटन को। ठीक है, एंडोस्केलेटन को क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूट करती है और सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे अलग अलग तरीके के बॉडी के ऑर्गन्स को। तो आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताएंगे, फंक्शंस के बारे में बताएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है, ये इफ यू हैव एनी डाउट एंड यू कैरी एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। आरबीसी जो होती है, मैंने आपको ब्लड सेल्स तीन टाइप की बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, फुल नेम में इसका रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी जो होती है ये एबंडेंट सेल्स होती है, तो ये क्या होती है? द मोस्ट एबंडेंट सेल्स इनको बोल सकते हैं, द मोस्ट, ठीक है, एबंडेंट, ये क्या होती है? द मोस्ट एबंडेंट सेल्स होती है जो कि इन्हें बोल सकते हैं हम वर्टिब्रेट ब्लड। ठीक है, यानी कि ये क्या होती है? मोस्ट एबंडेंट सेल्स होती है। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन्हें वर्टिब्रेट ब्लड, ठीक है, आर किस नाम से जानी जाती है? रेड ब्लड सेल्स। ओके, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये जो है क्या कंटेन करती है? हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है। ठीक है, दीज या बोल सकते हैं दे कंटेन, ठीक है, दे कंटेन, आगे लिखिएगा हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर कौन होता है, कौन प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, और एन आयरन, आयरन भी रहता है, और आयरन को कौन कंटेन करता है? प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ओके, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि देखिए आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक है, आगे लिखिएगा बेच, ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन विच फैसिलिटेट, FACILITATES, ठीक है, विच फैसिलिटेट्स, ठीक है, जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांस TRANS पोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो किसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बाय, ठीक है, आगे लिखिएगा रिवर्सिबल, REVERSIBLY, रिवर्सिबली, ठीक है, बाय रिवर्सिबली, ठीक है, बाइंडिंग टू दिस रेस्पिरेटरी, BINDING, बाइंडिंग टू दिस रेस्पायरेटरी, RESPIRATORY, ठीक है, बाइंडिंग टू दिस रेस्पायरेटरी, ठीक है, गैस। तो देखिए राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं कि आयरन कंटेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या सुविधा होती है इसे, क्या फैसिलिट करता है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है भाई, रिवर्सिबली बाइंडिंग करता है रेस्पायरेटरी गैस को। ठीक है, चलें आगे एक तरफ, ठीक है, आगे एक तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, रेड बीसी में कितना परसेंट होता है मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बात करें कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है, स्टार लगा करके लिखिएगा नीचे, द CO2, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है इज ऑलमोस्ट एंटायर, आगे लिखिएगा इज ऑलमोस्ट एंटायरली, ENTIRELY, जो CO2 रहती है ये मोस्टली बोल सकते हैं आप ट्रांसपोर्टेड हो जाती है। ठीक है, एंटायरली ट्रांसपोर्टेड, TRANSPORT, ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, डिसॉल्व्ड, ठीक है, इन प्लाज्मा, ठीक है, मोस्टली
किस में घुली हुई रहती है ये? प्लाज्मा में घुली हुई रहती है, ठीक है। एच बाई कार्बोनेट, ठीक है, एच बाई कार्बोनेट, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे देख लीजिएगा, स्टार लगा करके नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो होती है वो सर्कुलर और बाइकॉन कैप टाइप की होती है, दे आर, ठीक है। आगे लिखिएगा सर्कुलर, सी आई आर सी यू एल ए आर, ठीक है, दे आर सर्कुलर, ठीक है, बाई कॉनकेव डिस्क लाइक, बाई कॉनकेव, ठीक है, डिस्क लाइक, तो जो आरबीसी होती है दे आर सर्कुलर बाई कॉनकेव डिस्क लाइक, ठीक है, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, आया समझ में? तो ये क्या होती है, बाई कॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इन बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, मैमल, अगले स्टार लगा करके लिख रहा हूं मैं, मैमिलियन जो होते हैं, एम डबल एम मैमे डबल एम, ठीक है, एक सेकेंड, एम ए डबल एम, ठीक है, क्या लिखा, एम ए डबल एम ए एल आई ए, मैमेलियन जो होते हैं वो क्या रखते हैं, मैमेलियन जो आरबीसी होती हैं, हैव, ठीक है, इंक्रीज्ड सरफेस, आई एन सी आर ई ए एस ई डी, इंक्रीज्ड सरफेस, ठीक है, इंक्रीज्ड सरफेस, एरिया फॉर फॉर इंक्रीज्ड गैस, इंक्रीज्ड गैस एक्सचेंज, ई एक्स सी एस जी एन जी, ठीक है, फुल स्टॉप, ओके, ठीक है। तो इस नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मोस्ट ऑफ द पार्ट, द मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है, ऑफ आरबीसी, तो क्या लिखा, द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आरबीसी इज रेड कलर्ड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बात कर सकते हैं, ठीक है, जो एकोमोडेट ये करती हैं, दे कैन एकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई डी, दे कैन एकोमोडेटेड, ओके, मच मोर हीमोग्लोबिन, मच मोर हीमोग्लोबिन, राइट नाउ दे कैन एकोमोडेटेड मच मोर हीमोग्लोबिन, ज्यादातर जो हीमोग्लोबिन रखती हैं, ओके, इन देम, ठीक है, देन इन देम टी, एक सेकेंड, इन देम टी एच ई एम देम, आगे लिखिएगा देन टी एच एन देन, ठीक है, द आरबीसी ऑफ अदर एनिमल्स, द आरबीसी ऑफ अदर एनिमल्स, फुल स्टॉप लगा दी, ठीक है। यानी कि ज्यादातर जो हीमोग्लोबिन को ये कंटेन कर सकते हैं अदर आरबीसी की जगह, ठीक है। अगला स्टार लगा करके लिखिए, इरिथ्रोसाइट जो है इसी का ही नाम है, ठीक है, इरिथ्रो ई आर वाई टी एच आर ओ सी वाई टी ई एस, इरिथ्रोसाइट्स प्ले ए विटल रोल, प्ले ए वी आई टी एल विटल रोल, इरिथ्रोसाइट्स प्ले ए विटल रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। जो आरबीसी होती है वो एक अनोखा रोल अदा करती है, मतलब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, तो आरबीसी का काफी इंपॉर्टेंस ही होती है इसमें। बात करें अगला, चलें व्हाइट ब्लड सेल्स, अगली हेडिंग डालें एक लाइन का गैप देकर के, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो डब्ल्यू वी सी, ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स का सेकेंड नाम है ही, सोल्जर सेल इसे बोला जाता है, ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, है ना, डब्ल्यू बी सी और ल्यूकोसाइट्स, ओके।
डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट जो होते हैं ये भी क्या है, इम्यून सिस्टम का, ये सेल्स एक इम्यून सेल्स होती है, बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम की सेल्स है जो इन्वॉल्व करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीज से, इन्फेक्शन से, ठीक है, फॉरेन मटेरियल से, ठीक है। तो क्या लिखा, व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, आर सेल्स ऑफ द इम्यून, IMMUNE, ठीक है, इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम की क्या है, सेल्स होती हैं, इन्वॉल्व इन डिफेंडिंग, DEFENDING, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व इन डिफेंडिंग, ठीक है, डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट। तो हमारी जो बॉडी होती है उस बॉडी के अगेंस्ट, मतलब बोल सकते हो आप कि जैसे कोई बीमारी हो गई बॉडी के अंदर, तो उस बॉडी को उस बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए डब्ल्यूबीसी उनके अगेंस्ट में लड़ाई करती है, बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते ही नहीं है, डब्ल्यूबीसी ही उन बीमारियों को रोकने का काम करती है। तो आगे लिखिएगा द बॉडी, क्या लिखा, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स आर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन डिजीज एंड, आगे लिखिएगा, FOREIGN, फॉरेन मेटेरियल, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, आर फाउंड, ये किस में पाए जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, मतलब ये ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम को इंक्लूड करते हैं, मतलब कॉमन वे में इसे ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, ओके। ल्यूकोसाइट्स आर फाउंड थ्रू आउट THROUGHOUD, ओके, ल्यूकोसाइट्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द बॉडी इंक्लूडिंग क्या इंक्लूड करते हैं ये, एक तो ब्लड को, इंक्लूडिंग द ब्लड एंड, और किसको इंक्लूड करते हैं, लिम्फेटिक, LYMPHATIC, लिम्फेटिक, ठीक है, सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम को ये इंक्लूड करते हैं, दो तरीके के ये होते हैं, ठीक है, फेगोसाइट्स, इम्यूनोसाइट्स, इन्हें बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम, मतलब दो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो नीचे स्टार लगा करके राहुल सर लिख रहे हैं, इसी का ही पॉइंट है, ओके, ये इसी का ही पॉइंट है, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ओके, इसमें दो पार्ट हो गए, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, एक तो हो गया फेगोसाइट्स, PHAGO, क्या लिखा, PHAGOCYTES, फेगोसाइट्स, एंड आगे लिखिएगा इम्यूनोसाइट्स, IMMUNOCYTES। तो देखिए, एक तो हो गया फेगोसाइट्स, एक हो गया इम्यूनोसाइट्स, ओके। तो दो टाइप के WBCs में डिवाइडेशन होता है, फेगोसाइट्स में, इम्यूनोसाइट्स में। आगे बात करें जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसके बाद होता क्या है एक्चुअलिटी में, अब जो फेगोसाइट्स होती हैं आपकी, जो ये क्या है, आपको कैपेबल जो फेगोसाइट्स होती है वो क्या करती है, फेगो जो साइटोसिस है उसको कैपेबल बनाती है बॉडी के अंदर। मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको लिखवाया जाएगा। स्टार लगा करके, यहां पर स्टार लगा करके लिखिएगा, जो फेगोसाइट्स होते हैं फेगोसाइटोसिस, PHAGOCYTOSIS, तो फेगोसाइट्स आर कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस, ठीक, एंड